Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear students? I hope you all are fine and enjoying your study. Today we are going to complete the chapter. आज हम आपका जो chapter को complete करने वाले हैं. I hope अभी तक जो आपने discuss किया था सारी चीज़ें you have got through. आप वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और इस तरह कोई issue आपके पास नहीं होगा. If you have still then you can make call to me and I definitely answer your questions. टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर फ्रेंड्स सॉल्यूशन. आज हम आपका फ्रेंड सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. इसमें जो हमें बताया गया है टुडे द नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो का कहते हैं द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ. रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ मीन्स क्या है आपका, इसमें ये जानेंगे कि जब फ्रेंड सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो फ्रेंड सॉल्यूशन की वजह से जो एवरीडे की लाइफ थी वो किस तरह से इम्पैक्ट हुई. वैसे आप ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ चीज जान चुके हैं. जैसे आपने जाना कि एवरीडे लाइफ में ब्रेड एंड बटर दिस ब्रेड एंड द बंस वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा था. पीपल वर सफरिंग अलॉट, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, राइट. तो जब रिवोल्ट, ये सब रिवोल्ट से पहले की बात है. एंड आफ्टर रिवोल्ट व्हाट दे गॉट, अब रिवोल्ट होने के बाद उनको क्या मिला, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. उस चीज़ के बारे में लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट रेवोल्यूशंस अपकमिंग ऑफ द लॉज ट्रांसलेटेड द आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड द इक्वालिटी. सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ये रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ 1789, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, लोगों को लिबर्टी के बारे में पता लगता है. आइडियाज उनके सामने धीरे धीरे करके अमर्ज होते हैं. जैसे एक कन्वेंशन आया हमारे सामने, नेशनल असेंबली हमारे सामने आई. इसके अलावा जो हमारे फिलोसफर्स थे दे एक्सप्लेन्ड द पावर ऑफ द थर्ड स्टेट्स एंड ऑल दिस. तो उन्होंने चीज़ को एक्सप्लेन किया. दे डिवाइडेड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. दे मेक दे अवेयर द पीपल अबाउट द पावर ऑफ द नेशन. इन लोगों को पता लगा धीरे धीरे करके एंड दे इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ द लिबरल एंड द लिबरल एंड द नेशनलिज्म. धीरे धीरे करके लोगों ने लिबरलिटी, लिबर्टी के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में उन लोगों को पता लगना शुरू हो गया, राइट. ये सब किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. ये सब रेवोल्यूशन की वजह से हुआ. दे स्टार्टेड इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी. पीपल, लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि लिबर्टी क्या होती है, हाउ फ्री दे आर टू डू एनी वर्क, कैसे वो फ्री हैं, कितने वर्क हैं, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम. तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आने लगी एंड दे सॉट टू गेट द इक्वल राइट. उनको भी धीरे धीरे करके ये लगा कि हमें भी क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. सो दे स्टार्टेड ऑल दिस डिमांड्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये उनकी लाइफ पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है. सेकंड वन वाज दैट अबॉलिशन द सेंसरशिप. तो अब सेंसरशिप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेंसरशिप होता है व्हेन यू वी वांट टू पब्लिश एनी न्यूज़पेपर, इफ वी आर राइटिंग अ बुक. और इवन आज के टाइम के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग किसी भी फिल्म को पास कर, फिल्म जब हमारी रिलीज होती है, सो इट मस्ट बी पास्ड विद द सेंसर बोर्ड. ये हमारे पास सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की जानी चाहिए ताकि इसको रिलीज किया जा सके एंड पब्लिकली इसको और दिखाया जा सके. तो उसी तरह से जब हमारे राजा महाराजा थे तो उस समय कोई भी, क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, तो हमारे पास प्रिंट मीडिया होता था या लोग आपस में जो सिंबल्स वगैरह पेंटिंग वगैरह सब बनाते थे उन्हीं से लोगों को समझाया जाता था. सो कोई भी पेंटिंग अगर बनाते थे, कोई बुक वगैरह लिखते थे, ठीक है, और न्यूज़पेपर वगैरह अगर कोई निकालते थे तो उसके लिए उनको राजा की सहमति लेनी पड़ती थी. विदाउट दैट दे वर नॉट एबल टू प्रिंट एनी मटेरियल अगेंस्ट द किंग, मोनार्क एंड एनीबडी. तो ये सेंसरशिप होता है. तो जब रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों में लिबर्टी की भावनाएं आई, दे गॉट दैट फ्रीडम. तो उनको उन्हें इस बात को इंटरप्रेट कर लिया कि जो आज़ादी का मतलब है, नाउ दे कैन राइट एनीथिंग व्हाट एवर दे विश टू राइट. इस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया एंड दे स्टार्ट राइटिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी इच्छा के अनुसार. जैसा उनको महसूस होता था वो उनको प्रिंट करना, उनको लिखना स्टार्ट किया. दिस बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. ये सब किससे हुआ, हमारे पास रेवोल्यूशन की वजह से हुआ. जो सेंसरशिप था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, यानी कि अब लोग अपनी कोई भी बुक वगैरह वगैरह कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे. ये सब आइडिया उनको कहाँ से मिला, प्रिंट रेवोल्यूशन, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ. नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब इससे क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा नेशनल असेंबली ने क्या किया था, राइट्स ऑफ द सिटीजन फॉर डिक्लेयर, वहाँ पे डिक्लेयर किए गए थे. मैन स्पेशली उनको सिटीजन समझा जाता था, एक्टिव पैसिव सिटीजन समझा जाता था. तो फ्रीडम को राइट दिया गया. तो वो उन्होंने अपनी जो स्पीच, यानी कि लोगों को लगा, अगेन वही बात हमारे पास आती है, पीपल फेल्ट दैट दे हैव नाउ फ्रीडम टू स्पीक वट एवर दे वॉन्ट, वेदर इट इज मोनार्क, वेदर इट इज एलर्जी एंड एनीबडी. सो दे स्टार्ट
दे फेल्ट फ्री टू स्पीक एनीथिंग इन टू द पब्लिक. पब्लिक में उनको बोलने का राइट उनको लगा. दे हैव गॉट द राइट बिकॉज ऑफ द राइट राइट ऑफ द फ्रीडम. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, न्यूज़पेपर पंपलेट बुक एंड द प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन टू द टाउन एंड द लेटर इन टू द विलेज. सबसे पहले क्या हुआ, जिसमें सेंसरशिप जैसे ही हमारे पास खत्म हुआ, सेंसरशिप खत्म होते ही लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया. व्हाट दे डिड, दे स्टार्ट प्रिंटिंग ऑल दीज थिंग्स. इन सारी चीजों को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, न्यूज पेपर को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. इसके अलावा पंपलेट वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, बुक्स उन्होंने छापना स्टार्ट कर दिया. एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द कॉमन पीपल, उसको कॉमन लोगों के अंदर क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया. सो ये सब किसकी वजह, दिस बिकॉज ऑफ द प्रिंट आपका, किसकी वजह से हुआ आपका, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ. पहले ये सब कहाँ पे हुआ, गाँव और शहरों में हुआ. देन लेटर इट गोज टू द इट रीच्ड अप टू द टाउन सॉरी विलेज तक हमारे पास ये पहुंच गया. देन प्लेज सॉन्ग्स एंड द फेस्टिवल अट्रैक्टेड पीपल दैट हेल्प पीपल टू ग्रेस्प द आइडिया ऑफ द लिबर्टी इन टू द जस्टिस. अब इससे हुआ क्या, देखिए ये क्या बताना चाह रहा है, जस्ट वॉन्ट टू से, सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जब लोगों को प्ले, मतलब प्लेज का मतलब हमारे पास हो गया जो ड्रामा वगैरह आते हैं, प्ले करना, एक्टिंग वगैरह करना, तो इस तरह की चीज़. सॉन्ग वगैरह क्या किए गए, हमारे सॉन्ग वगैरह भी वहाँ पे क्या किए, कंपोज किए गए. फेस्टिवल्स मनाना लोगों ने स्टार्ट किया. एंड ऑल दिस किसमें हमारा ये आता है हमारे पास, इससे लोगों को जो आइडिया थे लिबर्टी के, फ्रीडम के, वो डेली रूटीन में उनके आने क्या होगी, शुरू हो गए. तो ये हमारा, दिस वॉज द जो रेवोल्यूशन था उसकी वजह से जो डेली रूटीन था कैसे हमारा धीरे धीरे करके इम्पैक्ट हुआ. नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट एज आई हैव टोल्ड, जैसे हमने वापस अपना फ्लैशबैक करते हैं, सो डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस किया था. डायरेक्टरी दिस वॉज द अगेन पार्लियामेंट ऑफ द फाइव मेंबर्स, अभी फाइव मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था. इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होते थे, वो लोग डायरेक्टरी को चुनते थे. लेकिन इनका आपस में क्या होता था, झगड़ा होता रहता था हर एक बात को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा होता रहता था. और इस झगड़े के कारण ही जो स्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी. मतलब हर कुछ समय के बाद क्या होता था, आपका डायरेक्टरी के जो मेम्बर्स होते थे उनको चेंज कर दिया जाता था, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी विश के अकॉर्डिंग वो लोग काम नहीं कर रहे थे. इससे क्या हुआ, एक इंस्टेबिलिटी आ गई. और इसका फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1804. वो राजा बन गया 1804 के अंदर. और उसने कुछ रिफॉर्म्स लाए दैट वर क्वाइट इम्प्रेसिव, जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे, लोगों को काफी ज्यादा उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया. एंड दैट्स वाई द नेपोलियन, आज उसको हम कह सकते हैं आपका, ही वॉज कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजेशन. उसने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्नाइजेशन की, कहा जाता है उसके बारे में. सो ही स्टार्टेड टू कंकर मेनी नेबरिंग कंट्रीज एंड एक्सपेंडेड द बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम. अब उसने क्या किया, जैसे ही वो राजा बना, राजा बनने उसने क्या किया, आसपास के जो फ्रांस के आसपास की जो बाउंड्री आती उन बाउंड्री के पास पास जहाँ जहाँ पे उसको लगा, जहाँ जहाँ वो उसने अटैक किया लोगों पे, किंगडम्स पे अटैक किया, अटैक करके उनको अपने किंगडम्स में शामिल कर लिया. एंड दिस बिकॉज ऑफ, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज जैसे मैंने अभी बोला, द पीपल कंसिडर्ड हिम, ही वॉज कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ द फ्रेंच एंड द यूरोप. क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच के को मॉडर्नाइज करने में ही हैज मोर इम्पोर्टेंट रोल. क्यों था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे क्यों माना जाता उसको, लेट अस डिस्कस दैट. बिकॉज देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल हिज रिजाइन. सबसे पहले उसने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्टिव किया. और उसके लिए उसने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाए, ठीक है, ताकि लोगों पे आसानी से क्या किया जा सके, शासन किया जाए. अब जैसे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. तो उसमें नेपोलियन कोड के नाम से ये जाने जाते हैं, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, दैट वी विल टॉक इन टू द नेक्स्ट क्लास. आपकी 10th स्टैंडर्ड होगी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दैट, राइट. सी देखिए, देन प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ही वॉज द स्पॉटर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज. जो वो जैसे जैसे आपका चेंज होता रहता था आपका, कि प्रॉपर्टी आपस में शेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो ही बिलीव दैट कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, दे मस्ट हैव द प्रॉपर्टी, उनके आगे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट वन इज, ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेटिंग एंड वेट एंड द मेजरमेंट. उनको उस समय जब फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, या उस यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन
वेटिंग सिस्टम, अपना खुद का वेटिंग सिस्टम होता था एंड इट वॉज सो डिफरेंट कि जो मर्चेंट होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, देवर वेरी कह सकते हैं आपका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, राइट? एंड दे वॉन्टेड टू दे वॉन्ट अ सिस्टम वेयर दे कैन हैव अ यूनिफॉर्मिटी, जहाँ पे उनको यूनिफॉर्मिटी मिले. सो दे दिस वॉज गिवन टू दैम बाय द नेपोलियन बोनापार्ट. ये सब किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया कि पूरे यूरोप में जो वेटिंग सिस्टम था वो सिंगल एक जैसा बनाया गया. दूसरा, जो हमारे पास मेजरमेंट्स इक्विपमेंट थे वो अलग अलग रहा. इसको आप समझ सकते हैं, हमारे पास जैसे हम पहले अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया के अंदर मापने के लिए एक छोटा सा पत्थर लिया, ये मेरा 1 किलो का पत्थर है, चाहे वो हो या ना हो, बट इट वॉज राइट. तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग वेटिंग सिस्टम थे, उसको उन्होंने हटा दिया. नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम इन हिज किंगडम. अब ये डेसिमल सिस्टम क्या था आपका? देखिए, जब कोई भी चीज उनको लगता था एनी प्रोडक्ट दैट वाज रुपीज 15.5, इनकी 15 रुपीज और 50 पैसे की होती थी, तो वहां पे क्या होता था उसको ओवरऑल करके 15 रुपीज में दे दिया जाता था एंड दैट वाज द लॉस ऑफ द 50 पैसा, जो 50 पैसे का लॉस होता था. सो धीरे धीरे करके जब देखा आप उसको लॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं आपका, तो हजारों की अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे तो बहुत सारा लॉस हमारा हो रहा था. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, नहीं जो डेसिमल पॉइंट डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं उनको भी हमें ऐड करना चाहिए एंड दिस इम्पैक्ट अलॉट, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है. इसलिए आप आज अब देखिए अब मॉल्स में जाते हैं हमारे पास या जहाँ कहीं पर भी आप सप्लाई एंड चेन स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे पॉइंट में अगर आपका वैल्यू आती है तो वो भी आपकी ऐड हो जाती है एंड दैट इम्पैक्ट अलॉट. तो हमारे हजारों करोड़ों में अगर प्रोडक्ट बिकेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या करता है, इम्पैक्ट करता है. सो इंट्रोड्यूस दिस डेसिमल सिस्टम इन दिस किंगडम. Then he was defeated into the water. उसके बाद क्या हुआ, जब स्टार्ट में तो लोगों ने समझा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है ही इज द मॉडर्नाइजर, बट लेटर जब उनको लगा कि वो भी उनको बंदी बना रहा है एक तरह से, तो लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट किया एंड कम्बाइंड पावर ऑफ द ऑस्ट्रिया पर्शिया एंड ब्रिटेन, ये सब ने मिलकर इनको हराया वाटरलू के अंदर 1815 के अंदर. देयर ही डिफीटेड एंड अ हरास ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्सले वो उन पर इम्पोज कर दी जाती है. ही वॉज डिफिटेड, वो हार तो गया लेकिन उसके द्वारा अपनाए गए मेजर्स दे वर क्वाइट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे. और आज जो हमारे पास लिबर्टी है, यूनिफॉर्म लॉज हमारे पास जो बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन समझी जाती है, राइट? ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. मीन्स इन 10th स्टैंडर्ड दिस विल बी द कंटिन्यू. नेपोलियन बोनापार्ट का पार्ट आप फिर से पढ़ेंगे बट नॉट नाउ, आपका 10th स्टैंडर्ड में इसको डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है सो यू कैन मेक कॉल टू मी एंड यू कैन सेंड मी योर SMS. सेकेंड थिंग इज दैट आपको ना मैंने बार बार बोला है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है यही आपको नोट्स बनाने हैं. पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और उसमें अपने नोट्स लिखना स्टार्ट करो. आपको सिर्फ करना है कि आपका यू विल फाइंड दीज लाइंस इनटू योर बुक. मैंने पहले भी बोला था आपको, आपकी बुक में सारी लाइनें दी हुई हैं, आपको यहाँ सिर्फ रेफरेंस लेना है. डोंट लुक इनटू द वीडियो है ओनली, आपको अपनी बुक से भी रेफरेंस लेना है और उसको कम्प्लीट करना है. वॉट माई पॉइंट, आई होप यू विल मेक योर नोट्स इन प्रॉपर मैनर. फिर भी अगर आपकी कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय.